सच कहा है। जिंदगी जीनी है तो अपनी मर्जी से जियो, क्योंकि इशारों पर तो सर्कस में शेर भी नाचते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक मेढकों का झुंड एक पहाड़ पर चढ़ रहा है। सब लोग एक रेस जैसी लगाए हैं, कौन पहले चढ़ेगा, कौन उस पहाड़ के ऊपर लक्ष्य पर पहुंचेगा। धीरे 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 सबने चढ़ना शुरू किया। चढ़ते गए, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही कदम जाकर के सारे मेढक गिरने लगे, वापस धरती पर गिर गए। कुछ ने और आगे कोशिश की, वो भी नीचे गिर गए। पर उन मेढकों के झुंड में एक मेढक था जो बढ़ता जा रहा था, ऊपर चढ़ता जा रहा था। वो चढ़ता गया और वो अकेला उस ग्रुप में, उस झुंड में था जो ऊपर चढ़ रहा था। उसके साथी जो मेढक नीचे खड़े थे, वो उछल उछल के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, अरे भैया ऊपर मत चढ़, तू गिर जाएगा और गिरेगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि ऊंचाई बहुत है। लेकिन वो चढ़ता गया और वो एक समय आया जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। जानते हैं क्यों वो मेढक ऊपर चढ़ पाया? क्योंकि वो मेढक कानों से बहरा था। जब वो सब चिल्ला रहे थे मत चढ़ तू गिर जाएगा, वो समझ रहा था कि ये सब हाथ उठा के मुझे उत्साह दे रहे हैं, तू चढ़ जा, तू चढ़ जाएगा, हम तेरे साथ हैं। जीवन में कुछ करना है तो बस बहरे बन जाइए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। लोग क्या कहते हैं ये सोचना बंद करिए। अगर आप यही सोचते रहे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? कुछ काम तो उनके लिए भी छोड़ दीजिए। यही निवेदन है, अपने लक्ष्य पर बढ़ें और दुनिया की बातों को दरकिनार करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इसी निवेदन के साथ राधे राधे।